ओके गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आप लोगों को जो नया टॉपिक है बायोलॉजी का हमारे रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर में, हमने इससे पहले हम लोगों ने शायद क्लेवेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर मोरूला का फॉर्मेशन हमने किए थे, क्लेवेज हमने पढ़ चुके हैं। क्लेवेज होने के बाद में हमने एट द एंड ऑफ द क्लेवेज हमने देखे कि वहां पर मोरूला बना एंड मोरूला कन्वर्ट इनटू द ब्लास्टुला, बट मोरूला से जो ब्लास्टुला बना तो मोरूला से ब्लास्टुला बना तो ब्लास्टुला बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन के बाद में होता है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद में होता है गैस्टुलेशन, गैस्टुलेशन के बाद में होता है फॉर्मेशन ऑफ द जर्म लेयर, एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर के बाद में होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, एंड ऑर्गेनोजेनेसिस होने के बाद में बनती है बॉडी। क्या बन जाती है? बॉडी। तो बच्चा पार्टी, आज हमको डिस्कस करना है ब्लास्टुलेशन के बारे में। मोरूला बना था, मोरूला से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टुलेशन बोलेंगे। या ऐसा बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ, एक ऐसी प्रोसेस कि जिसके अंदर में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है किसका, ब्लास्टोमियर का। किसका? ब्लास्टोमियर का, मतलब जो छोटी छोटी सेल्स जो क्या हुई वहां पर डिवाइड हुई है, उन छोटी छोटी सेल्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल फील्ड फ्लूइड। क्या? और वहां फॉर्मेशन होता है किसका, एक फ्लूइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, या सेंट्रल फ्लूइड फील्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है। कैविटी मतलब खाली जगह, सेंट्रल फ्लूइड फील्ड कैविटी वहां पर फॉर्म होगी इन द का पर मोरूला, तब उसको क्या बोलेंगे हम, ब्लास्टुला, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्लास्टुलेशन। क्या बोलेंगे? ब्लास्टुलेशन। तो आपने मोरूला के अंदर में देखे थे, आपने मोरूला के अंदर में इस प्रकार से कुछ देखे होंगे। मोरूला के अंदर में क्या हो रहा था बच्चा पार्टी, ये आपको झूना पेलुसिडा था, ये झूना पेलुसिडा था, इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा पार्टी, झूना पेलुसिडा, डबल लेड होता है झूना पेलुसिडा। अब ये झूना पेलुसिडा है बच्चा पार्टी, अब इस झूना पेलुसिडा में क्या होता है, कुछ इनर मास सेल है, ये इनर सेल है, ये क्या है, इनर सेल्स है, इनर सेल्स, और फिर लार्जर क्या थी, बड़ी वाली क्या थी, आउटर सेल्स थी, है ना। इस तरीके से आउटर सेल्स वहां पर आपको नजर आएगी बच्चा पार्टी, इस तरीके से वहां पर आउटर सेल्स आपको नजर आएगी। तो ये हो गया इनर मास ऑफ सेल, इनर मास ऑफ सेल, इनर मास ऑफ सेल, इनर मास ऑफ सेल हो गया बच्चा पार्टी। और ये क्या हो गया, झूना पेलुसिडा, ये क्या हो गया, झूना पेलुसिडा हो गया। अब बच्चा पार्टी सवाल है यहाँ पर, इसके बाद में इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और थोड़ा अर्ली स्टेज में आपको ये सेल्स ऐसे नजर आएगी, आपको इस तरीके से नजर आएगा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्या करेंगे बच्चा पार्टी, रीअरेंजमेंट कर देंगे हम लोग, और रीअरेंजमेंट करके आपको नजर आएगा कुछ कैविटी फॉर्म होगी। ये जो आउटर सेल्स है ये एंड की तरफ जाएगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से आउटर सेल्स आ जाएगी पेरी पेरी की तरफ, ये पेरी पेरी की तरफ चले जाएगी, पेरी पेरी की तरफ, और वन साइडेड आपको बहुत सारी सेल जमा होती नजर आएगी। तो वन साइडेड, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया किसका, कैविटी का, किसका, कैविटी का फॉर्मेशन होना क्या हो गया बच्चा पार्टी, स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एक कैविटी क्रिएट हो गई जहां पर फ्लूइड है, जहां पर क्या, फ्लूइड, और मैंने वही बोला था एक ऐसी प्रोसेस कि जिसके अंदर में रीअरेंजमेंट होता है ब्लास्टोमियर्स का, और रीअरेंजमेंट होकर के वहां पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होना, मतलब ही किसका फॉर्मेशन होना, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होना, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टुलेशन। तो ये हो गई अर्ली स्टेज ऑफ ब्लास्टोसाइट्स, ये क्या हो गई, अर्ली स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, क्या बोल सकते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये हो गई अर्ली स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब एट द एंड ऑफ द ब्लास्टुलेशन क्या होगा, यहां पर एक लार्ज स्पेस आ जाएगी, ब्लास्टोकॉइल का फॉर्मेशन होगा, जो कैविटी बनती है उसको ब्लास्टोकॉइल बोलते हैं। हमने देखे ना द स्पेस बिटवीन द इनर मास ऑफ सेल एंड ट्रोपोब्लास्ट, मतलब क्या हो गया, ये आउटर वाले क्या हो गए, ट्रोपोब्लास्ट, क्या हो गए, ट्रोपोब्लास्ट, ये क्या हो गए, ट्रोपोब्लास्ट। अरे यार इधर से बता रहे सामने यार बच्चा पार्टी, ये क्या हो गए, ट्रोपोब्लास्ट, एक ट्रोपोब्लास्ट हो गए, और ट्रोपोब्लास्ट, और ये क्या हो गया तुम्हारा, इनर मास सेल, यहाँ पर क्या है, इनर मास सेल है, इनर मास सेल, इनके बीच में क्या आ गई, स्पेस आ गई, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, ब्लास्ट हो गए, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं आएंगे, अभी हम थर्ड डायग्राम में उसको पूरी तरीके से दिखा देते हैं। अब देखो बच्चा पार्टी, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से, ये तो झूना पेलुसिडा तो रहेगा, झूना पेलुसिडा तो रहेगा, अब क्या हो रहा है, ये सेल एकदम पेरी पेरी पर आ गई, ट्रोपोप्लास्ट एकदम पेरी पेरी पर आ गया, ट्रोपोप्लास्ट एकदम पेरी पेरी पर आ गया, ट्रोपोप्लास्ट एकदम पेरी पेरी पर आ गया, ये ट्रोपोप्लास्ट की सेल है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनर मास सेल वन साइड में आ गई पूरी,
इनर मास सेल पूरी क्या होगी वन साइड में आ गई। अच्छा पार्टी पूरी इनर मास सेल वन साइड में क्या होगी रियरेंज होगी, वन साइड में आ गई पूरी, वन साइड में आ गई पूरी की पूरी सेल्स कैसे आ गई वन साइड में आ जाएगी। अच्छा तो ये जो वन साइड में पूरी सेल्स आ गई है यहाँ पर आपको एक कैविटी दिखाई दे रही, तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोकाइल। क्या बोलते हैं ब्लास्टोकाइल, ये क्या हो गया ब्लास्टोकाइल। झोना पेलुसिडा तो आई है, झोना पेलुसिडा तो रहेगा बच्चा पार्टी। और ये तुम्हारी क्या हो गई इनर मास ऑफ सेल्स, ये क्या हो गया इनर मास ऑफ सेल, इनर मास ऑफ सेल, इनर मास ऑफ सेल। और उसके साथ साथ अगर बात करोगे और ये हो गया तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट, क्या हो गया ट्रोफोब्लास्ट, क्या हो गया ट्रोफोब्लास्ट हो गया बच्चा पार्टी। तो ये जो होता है ये एनिमल पोल की तरफ होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा ये एनिमल पोल की तरफ हो जाएगा, ये एनिमल पोल है, एनिमल पोल बोलते हैं। और वेजिटेबल पोल को क्या बोल सकते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल, या उसको एम्ब्रियोनिक पोल ही बोलते हैं। एनिमल पोल को क्या बोलेंगे एम्ब्रियोनिक पोल बोल देते, चलो यार क्या बोलते थे बच्चा पार्टी एम्ब्रियोनिक पोल, इसको एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और इसको एब एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं, एब एम्ब्रियोनिक पोल, इसको क्या बोलेंगे एब एम्ब्रियोनिक पोल। जिधर में कैविटी आती है, जिधर में कैविटी क्रिएट हो रही है, जिधर ग्रेविटी हो रही है उधर उस पोल को उस इंड को हम क्या बोलते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल। और जिधर में आपको इनर मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि आगे जर्म लेयर उधर से ही बनने वाले हैं, समझ में आ रहा है इम्प्लांटेशन उधर उधर ही होने वाला है, इम्प्लांटेशन अंदर गैस्ट्रुला उसी से बनने वाला है, और गैस्ट्रुला के अंदर जर्म लेयर बनने वाले हैं, जर्म लेयर के बाद में ऑर्गन बनने वाले हैं, तो इसीलिए इसको एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं। कौन सा पोल बोलते हैं एम्ब्रियोनिक, क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं, या फिर और एम्ब्रियोनिक पोल हमेशा एनिमल पोल के नाम से भी जाना जाता है, एम्ब्रियोनिक पोल को क्या बोलते हैं एनिमल पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनिमल पोल। और एब एम्ब्रियोनिक पोल को वेजिटल पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेजिटल पोल। इससे पहले आपको मैंने दो नाम अलग बताया था, एनिमल पोल बताया था और वेजिटल पोल, आज मैंने ज्यादा बदल दिया और मैंने क्या बोल दिया एम्ब्रियोनिक पोल और एब एम्ब्रियोनिक पोल, बात एक ही भाई एक ही बात है, दोनों नामों से इनको क्या किया जाता जाना चाहता है। ये बन गया तुम्हारा कंप्लीट क्या ब्लास्टुला, और इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं ब्लास्टुलेशन बोलते हैं बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ डायग्रामेटिकली आपको समझ में आया होगा, इसके बाद थ्योरेटिकली लिखवा देता हूँ, तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके बच्चा पार्टी, तो हमने डायग्रामेटिकली तो देख लिए, अब डायग्राम से तुमको समझ में आ गया किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन एग्जाम में इससे हमको मार्क्स नहीं मिलने वाले, हमको लिखना पड़ेगा उसको, हमको उसको लिखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल चीज बताना पड़ेगा किस प्रकार से, तो कुछ कुछ चीजें तो हमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, तो द प्रोसेस ऑफ, हम बोल सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ, पहली बात तो फॉर्मेशन बोलने से पहले रीअरेंजमेंट ऑफ बोल देंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ दी रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स जो थे मतलब वहां की जो सेल्स ब्लास्टोमियर्स, एंड फॉर्मेशन ऑफ, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ फ्लूड फील्ड, फ्लूड फील्ड, फ्लूड फील्ड क्या कैविटी, फ्लूड फील्ड कैविटी किसका फॉर्मेशन हुआ, फ्लूड फील्ड कैविटी इन द मोरूला, इन द मोरूला, इसके अंदर मोरूला, इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन, इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन, इसका ब्लास्टुलेशन। और उस प्रोटोकॉल को जो बना स्ट्रक्चर उसको क्या बोलेंगे ब्लास्टुला बोलेंगे। अब बोलोगे सर यहां से फ्लूइड कहां से आया, तो क्या होता है इसका, ये जो होता है इसका जो साइट होता है, साइट ऑफ द ब्लास्टुलेशन अगर कोई पूछता है आपको मतलब कहां होता है, तो यूटेरस में होता है, कहां होता है यूटेरस, और यूटेरस के अंदर में यूटेराइन फ्लूइड होता है, यूटेरस के अंदर में यूटेराइन फ्लूइड होता है, और इसकी जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उस यूटेराइन फ्लूइड को क्या करते हैं, क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, एंड मोर एंड मोर एब्जॉर्ब करने के बाद बिटवीन द इनर मास सेल एंड जो ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि जो फ्लैट हो जाती सेल जब एब्जॉर्ब करने की वजह से जो पूरा कैविटी क्रिएट होती है, और इस वजह से क्या होता है जो आउटर सेल्स जो होती है आउटर लेयर की जो सेल्स होती है ये फ्लैट होती जाती है और पेरीफेरी की तरफ चले जाती है, तब उसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, उस लेयर को क्या बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो वहां पर मोर एंड मोर फ्लूइड को क्या करती है स्टोर करते जाती है, समझ बात आ रही है, तो वहां एक कैविटी क्रिएट हो जाती है, उस कैविटी विद कैविटी वाले मोरूला को हम ब्लास्टुला बोलते हैं। तो आपको कोई अगर पूछता है कि ये कहां हो रहा है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि साइट ऑफ, क्या बोलोगे द साइट ऑफ, क्या बोलोगे द साइट ऑफ ब्लास्टुलेशन इज, द साइट ऑफ ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन इज यूटेरस, साइट ऑफ ब्लास्टुलेशन इज यूटेरस। और इसके लिए ड्यूरेशन कितना लगता है, इसके लिए ड्यूरेशन नियर अबाउट इट इज कंप्लीटेड 5-6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इट इज कंप्लीटेड, क्या बोलोगे इट इज कंप्लीटेड
5 to 6 day आफ्टर, क्या बोलोगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 5 से 6 दिन के बाद ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मतलब कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा मतलब वहाँ पर फ्लूड एब्जॉर्ब कर लेगा, फ्लूड एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब वहाँ पर फ्लूड फिल्ड कैविटी क्रिएट हो गई। समझे बात रहो, फ्लूड कहाँ से आया हो, यूटेरस से आया। कहाँ से आया, यूटेरस से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मोरूला कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब, क्या बोल सकते हो बच्चा पार्टी, मोरूला क्या करता है, कंटिन्यूअसली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। किसको, मोरूला कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब करेगा किसको, यूटेराइन फ्लूइड को। किसको एब्जॉर्ब करेगा बच्चा पार्टी, यूटेराइन फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा। और वो कंटिन्यूअसली अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से वहां पर मोरूला इंक्रीज इन साइज, मोरूला का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोरूला इंक्रीज इन साइज, मोरूला इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, वो बढ़ जाएगा। और वो 0.15 से लेकर के कितना, 0.15 mm टू 0.30 mm का बन जाता है। 0.15 mm टू कितना बन जाता है, 0.30 mm, इतना बड़ा साइज उसका हो जाता है। वो भी किसमें, इन डायमीटर, इतनी उसकी क्या होती है, डायमीटर हो जाती है। सिंपल बात है भाई, एब्जॉर्ब कर रहा है तो 101% उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा, उसका साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ सेल बिकम फ्लैट, और इसके वजह से ड्यू टू दिस, इसके वजह से अब बात करो, इसके वजह से एब्जॉर्ब होने की वजह से जो आउटर लेयर ऑफ सेल होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। द आउटर लेयर ऑफ, द आउटर लेयर क्या हो गया, आउटर लेयर ऑफ सेल्स बिकम फ्लैट, वो फ्लैट हो जाते हैं, बिकम फ्लैट हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। सिंपल बात है, बीच में गैप आ जाएगी, इनर मास सेल और इसके बीच में क्या आ जाएगी, गैप आ जाएगी। तो आउटर लेयर ऑफ सेल बिकम फ्लैट, अगर उस समय तो उनको फ्लैट जब होगी तब उसको क्या बोलते हैं, कार्ड ट्रोपोब्लास्ट, क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, ट्रोपोब्लास्ट, या फिर और एक नाम है उसके, और भी उसको हम क्या बोल सकते हो, ट्रोपोइक्टोडर्म, क्या बोल सकते हो उसको, ट्रोपोइक्टोडर्म, ट्रोपोइक्टोडर्म, जो मैंने आपको पेरिफेरल की सेल बनाया था उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोइक्टोडर्म बोलते हैं, या फिर बच्चा पार्टी उसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। आपको पूछा जा सकता है ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है या ट्रोपोइक्टोडर्म्स क्या होता है, और एक बात याद रखना कि ये ट्रोपोब्लास्ट होता है, ये इम्ब्रियो को डेवलपमेंट में कोई ज़्यादा इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन नहीं होता ट्रोपोब्लास्ट का, क्योंकि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इनर मास सेल से, किससे, इनर मास सेल से ही इम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये जो ट्रोपोब्लास्ट है या आउटर सेल है, इनका ज़्यादा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ये सिर्फ इम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन बनाते, क्या बनाते हैं, इम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन, इम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन, या नो नॉट अ इम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मतलब एक ऊपर से और एक लेयर इम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के लिए, वो बनाने का काम किसका होता है, ट्रोपोब्लास्ट का होता है। इस चीज का ध्यान रखना, इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर में इसका कोई ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। समझ में बात आ रही, तो फिर उसके बाद में इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्लूइड, ऐसा अगर क्या करेगा, मोर एंड मोर एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट फ्लूइड, और इस वजह से क्या हो जाएगा, वहां पर बहुत बड़ी क्या हो जाएगी, कैविटी क्या हो जाएगी, वहां पर बन जाएगी। इट एब्जॉर्ब यूटेराइन फ्लूइड एंड कलेक्ट बिटवीन द इनर मास सेल, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करते, इट एब्जॉर्ब क्या करेगा, ये इट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करेगा, मोरूला एब्जॉर्ब करेगा, इट एब्जॉर्ब यूटेराइन फ्लूइड, यूटेराइन फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा फ्लूइड, फ्लूइड एंड कलेक्ट बिटवीन, एंड कलेक्ट बिटवीन, कलेक्ट बिटवीन किसके बीच में, कलेक्ट बिटवीन किस बीच में, इनर मास सेल, क्या बोलोगे, इनर मास सेल, इनर मास सेल एंड उसके साथ साथ किसके बीच में, ट्रोपोब्लास्ट, किसके बीच में, ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर मास सेल के बीच में क्या करेगा, उनको क्या करेगा बच्चा पार्टी, कलेक्ट कर देगा, क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। समझ बात है, अब इसके कलेक्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा, एज मोर एंड मोर फ्लूइड इज एब्जॉर्ब, मोर एंड मोर फ्लूइड जब क्या हो गया, एब्जॉर्ब होने की वजह से, एज मोर एंड मोर फ्लूइड, as more and more fluid is absorbed, more fluid is absorbed, बहुत ज्यादा fluid क्या हो गया, absorbed हो गया, इसकी वजह से ट्रोपोब्लास्ट layer gets separated from, ट्रोपोब्लास्ट क्या बोलोगे, ट्रोपोब्लास्ट cells get separated from, get separated from, separated from कहाँ से, inner mass cells, inner mass cells, इनर मास सेल से क्या होगी, वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इनर मास सेल से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट एट वन इन, एक्सेप्ट एट वन इन, एक वन पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर बात करोगे, एक्सेप्ट एट वन इन, एक्सेप्ट एट वन इन, एक्सेप्ट एट वन इन, एक्सेप्ट एट वन इन, क्योंकि ऊपर वाला इंड एक एनिमल इंड की तरफ वो कनेक्ट रहता है,
एनिमल एंड के तरफ क्या होता है, कनेक्ट होता है इनर मास सेल से, ट्रोपोप्लास्ट कनेक्ट होता है, लेकिन एक एंड जो होता है वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। क्या होता है, सेपरेट। अब वो कलेक्ट कनेक्ट होता है क्यों, ये बताना जरूरी, क्योंकि मुझे वहां पर आपको बताना है सेला प्रवर, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो कनेक्ट होता है इनर मास सेल और ट्रोपोप्लास्ट, उस पॉइंट को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम सेला प्रवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेला प्रवर। पहले इतना समझ लेते हैं मोटी मोटी चीजें क्या बताया, जहाँ रीअरेंजमेंट होता है ब्लास्टोमियर का, रीअरेंजमेंट होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होगा मोडुला के अंदर में, तब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्लास्टुलेशन बोलेंगे। उसके बाद में मैंने बताया ब्लास्टुलेशन जो होता है वो यूटेरस के अंदर में होता है। दूसरी बात, इसको 5 to 6 डेज लगते हैं इस ब्लास्टुला के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जनरली क्या होता है, यूटेरस से यूटेराइन फ्लूइड को मोरूला क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने की वजह से जो ट्रोपोप्लास्ट होता है वो फ्लैट हो जाते हैं, तब वो एक ट्रोपोप्लास्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये मोरूला क्या करता है, जो यूटेराइन फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है, कलेक्ट करता है इनर मास सेल और किसके बीच में, ट्रोपोप्लास्ट के बीच में कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद जब से कलेक्ट कर दिया तो वहां पर क्या होता है, उससे उसके मोर एंड मोर फ्लूइड एब्जॉर्ब करने के वजह से कैविटी हो जाती है और वो मोरूला से क्या हो जाए, मतलब ट्रोपोप्लास्ट से करते इनर मास सेल क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। लेकिन एक एंड पर क्या होता है, अटैचमेंट अभी भी है। तो इतना पहले इसको नोट कर लो बच्चा, बात स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का बता रहा हूं मैं, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ, तो अब ध्यान दो, अब इसके अंदर में मैंने क्या बताया कि जो भी एक इंड तो अटैच है बोला, तो जिस पॉइंट पर अगर मान के चलो कि अगर बात करोगे पॉइंट वेयर इनर मास ऑफ सेल रिमेंस रेड ट्रोपोप्लास्ट लेयर हो गया था, द स्पेस बिटवीन द इनर मास, देखो द स्पेस बन गया, द स्पेस बिटवीन इनर मास सेल्स इनर मास बोलना, एंड क्या बोलोगे, एंड ट्रोपोप्लास्ट जो स्पेस आ गई, वो स्पेस को इस काल क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इससे पहले बता चुका मैं आपको कल के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर जो भी था उसके अंदर बता चुका, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कैविटी। कौनती कैविटी, सेंट्रल कैविटी। कौनती कैविटी बच्चा पार्टी, सेंट्रल कैविटी, या फिर और एक चीज बताया था मैंने, सेंट्रल कैविटी, या फिर उसको क्या बोलते बच्चा पार्टी, ब्लास्टोकॉइल। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोकॉइल बोलते बच्चा पार्टी, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोकॉइल, उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोकॉइल, या फिर क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, सेंट्रल कैविटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंट्रल कैविटी। अब इसके अंदर बात करोगे जो अगर मान के चलो कि जो इनर मास सेल फॉर्म इम्ब्रियोनल नॉव, इनर मास सेल क्या फॉर्म करता है, इम्ब्रियोनल नॉव फॉर्म करता है, इम्ब्रियोनल नॉव, इनर मास सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनर मास सेल्स फॉर्म क्या करता है, इम्ब्रियोनल नॉव, क्या फॉर्म करेगा, इम्ब्रियोनल नॉव, मतलब यहां से इम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इम्ब्रियोनल नॉव इज नोन एज उसको बोलते हैं हम लोग, इज नोन एज, उसी को बोलते हैं क्या, सेल्स ऑफ रबर, क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रबर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, सेल्स ऑफ, क्या बोलते हैं, रबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्स ऑफ रबर, मतलब देखो अभी, मतलब देखो बच्चा पार्टी मैं क्या बता रहा हूं, तो ये सेल्स ऑफ, तो मतलब कैसा, जहां पर इस तरीके से यहां पर तुम्हारा झोना पेड़ उस जाता, इस तरीके से झोना पेड़ उस जाता, अब यहाँ पर ये देखो ट्रोपोप्लास्ट की सेल्स इस तरीके से फ्लैट हो गई थी, ये ट्रोपोप्लास्ट की सेल्स, यहाँ से इनर मास सेल है, ये इनर मास सेल है भाई, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ये इम्ब्रियोनल नॉब बन गया, ये पूरा इम्ब्रियोनल नॉब है, और यहाँ पर कहना कि ट्रोपोप्लास्ट से क्या, इम्ब्रियोनल नॉब के कॉन्टेक्ट में, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रबर, जो कॉन्टेक्ट है इन दोनों का उसको क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल्स ऑफ रबर, और ये हमेशा एनिमल पोल की तरफ होता है, इसकी तरफ एनिमल पोल। अब बात है जो ट्रोपोप्लास्ट क्या, तो ये इम्ब्रियोनल नॉब बना, तो क्या ट्रोपोप्लास्ट का कोई कंट्रीब्यूशन है इम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, ना ट्रोपोप्लास्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं इसके अंदर में, कि क्या बोलोगे, ट्रोपोप्लास्ट लेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो प्रॉपर, समझ में आता है, ट्रोपोप्लास्ट सेल क्या बोलोगे, ट्रोपोप्लास्ट सेल्स डज नॉट पार्टिसिपेट
इन डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो प्रॉपर, इम्ब्रियो प्रॉपर मतलब प्रॉपरली नहीं होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मास बनाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर स्टडी करते हैं। समझ में बात आ रही? तो ये क्या करता है, तो एक चीज ये पर लिख लेना कि इट फॉर्म्स, ये क्या करता है, या फिर ऐसा बोल सकते ट्रोपोब्लास्ट, क्या बोलोगे, ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म्स, क्या बोलोगे, फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, कौन, ट्रोपोब्लास्ट, मतलब इम्ब्रियो में उसका कोई भी रोल नहीं है, इम्ब्रियो के अंदर में उसका किसी प्रकार से रोल नहीं आएगा, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक मेम्ब्रेन बनाएगा जो प्रोटेक्ट करेगा किसको, इम्ब्रियो को, क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद द साइट ऑफ ब्लास्टोसाइट टू विच इम्ब्रियोनल नर्व, एक चीज और ऐड कर दो इसमें, द साइट ऑफ, क्या बोलोगे, द साइट ऑफ, जो जगह है, द साइट ऑफ, साइड, साइट नहीं, साइड, दो साइड है, एक एनिमल साइड और दूसरा वेजिटल साइड, तो जो साइड है, द साइड ऑफ ब्लास्टोसाइट, द साइड ऑफ ब्लास्टोसाइट, द साइड ऑफ ब्लास्टोसाइट्स, क्या बोलोगे, टू विच इम्ब्रियोनल नर्व, टू विच इम्ब्रियोनल नर्व, किसके तरफ का, इम्ब्रियोनल नर्व की तरफ का, टू विच इम्ब्रियोनल नर्व, इम्ब्रियोनल नर्व किसके तरफ का, बच्चा पार्टी, इम्ब्रियोनल, इम्ब्रियो के तरफ का, वो जो नर्व होगा जो अटैच है इम्ब्रियोनल नर्व से, क्या है, तो इम्ब्रियोनल नर्व अटैच्ड, ऐसा लिख देता हूं, अटैच्ड, क्या बोलते, अटैच्ड, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, इज नोन एज, क्या बोलेंगे, इम्ब्रियोनिक या फिर एनिमल पोल, इज नोन एज, क्या बोलोगे, इज नोन एज, क्या बोलोगे, नोन एज कौन सा पोल, इम्ब्रियोनिक पोल या फिर इम्ब्रियोनिक या फिर कौन सा पोल बच्चा, एनिमल पोल, कौन सा पोल, एनिमल पोल, एंड अपोजिट पोल इज कॉल्ड एज, एंड अपोजिट, ये बार बार लिखा था मैं, एंड द अपोजिट साइड इज एज, एंड द अपोजिट साइड, ऐसा बोलते ना, एंड द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे, इज कॉल्ड एज एब इम्ब्रियोनिक, एब इम्ब्रियोनिक, एब इम्ब्रियोनिक, या फिर उसको क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल, क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल। इस प्रकार से दोनों पोल आ गए, एक तरफ इम्ब्रियो का नॉब बन गया, एक तरफ कैविटी है, कैविटी और उसके साथ में ट्रोपोब्लास्ट है, और ऐसा जो स्ट्रक्चर फ्लूइड वाला है इसको क्या बोलते बेटा, ब्लास्टुलेशन बोलते। यहाँ पर तुम्हारा ब्लास्टुलेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझा होगा, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो ब्राक से। हाँ, उसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, 10th पॉइंट में पार्टिसिपेट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, हाँ उसको करेक्ट कर लो एक बार। हाँ तो बच्चा पार्टी, ब्लास्टुलेशन तो पूछेगा पूछेगा, आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है, व्हाट इज ब्लास्टुलेशन, एक्सप्लेन देयर प्रोसेस एंड उसके साथ में राइट इट्स सिग्निफिकेंस, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सिग्निफिकेंस वन मार्क के लिए रहेगा, तो आपको सिग्निफिकेंस मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन। बच्चा हमारी बहुत इजी टॉपिक है, सिग्निफिकेंस के बारे में गिनती के एक दो सिग्निफिकेंस लिखेंगे, वन मार्क के लिए पूछेगा, ज्यादा मार्क के लिए क्वेश्चन हमको नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर बात करोगे, इम्ब्रियोब्लास्ट डेवलप इनटू इम्ब्रियो प्रॉपर, इसकी वजह से एक इम्ब्रियोब्लास्ट, क्या बोलोगे, इम्ब्रियोब्लास्ट, क्या बोलते, मतलब इम्ब्रियोब्लास्ट मतलब ब्लास्टोमेगेसिस से इनर मास से बनता है ना, इम्ब्रियोब्लास्ट डेवलप इनटू इम्ब्रियो प्रॉपर, डेवलप इम्ब्रियोब्लास्ट डेवलप्स इनटू, क्या बोलोगे, डेवलप्स इनटू, किसमें डेवलप हो जाता है, इम्ब्रियो में प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, प्रॉपर मतलब इम्ब्रियोब्लास्ट अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इम्ब्रियो में, और ये किसमें होता है, ब्लास्टुलेशन में होता है, किसमें होता है, ब्लास्टुलेशन, इसलिए ब्लास्टुलेशन का इंपॉर्टेंस, अगर ब्लास्टुलेशन नहीं होगा तो इम्ब्रियोब्लास्ट से इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इम्ब्रियोब्लास्ट से इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो गैस्टुलेशन नहीं होगा, गेस्टेशन पीरियड नहीं आएगा, मतलब गैस्टुलेशन नहीं होगा, उसमें गैस्टुलेशन नहीं होगा तो जर्मलेशन नहीं बनेंगे, जर्मलेशन नहीं बनेंगे, बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, ट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो फॉर्म करता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल एम्ब्रियोनिक नर्व, एम्ब्रियोनिक मास, है ना, ट्रोपोब्लास्ट, क्या बोलोगे, ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट, ब्लास्ट लिखा बच्चा वाली, ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म्स, क्या बोलोगे, फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मास या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बोल सकते हो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या करता है, फॉर्म करता है कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉल्ड, उनको दो टाइप के कॉल्ड, क्या करता है कॉल्ड, एक होता है एमनियन एंड खोराइन, एमनियन, क्या बोलोगे, एमनियन एंड खोराइन, एंड खोराइन,
क्या कर रहे हैं, खोराइन, खोरियन, एमनियन खोराइन नहीं होगा, खोरियन होगा, खोरियन क्या हो जाएगा, खोरियन, एमनियन एंड खोरियन, ऐसे दो लेयर का फॉर्मेशन होता है इम्ब्रियो किसे, प्रोपोब्लास्ट से, किसे, प्रोपोब्लास्ट, एंड दे होल्ड एंड नरिश द इम्ब्रियो, इनका काम क्या होता है, दे होल्ड वहां पर पकड़ के रखते, होल्ड एंड नरिश मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते, किसको, नरिश टू इम्ब्रियो, मतलब इम्ब्रियोस को जितनी भी न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो वहां से क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, किसको, डेवलपिंग इम्ब्रियो को। उसके बाद में नेक्स्ट और एक लास्ट वाला बताया था, एक और सिग्निफिकेंट बताया था, एक और चीज क्या, प्रोपोब्लास्ट आल्सो टेक अ पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्रोपोब्लास्ट क्या बोलोगे, प्रोपोब्लास्ट आल्सो टेक अ पार्ट इन, आल्सो टेक अ पार्ट इन, टेक अ पार्ट इन, टेक अ पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से ही न्यूमन सारे न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, गेट करता है, तो मतलब नरिशमेंट के लिए ट्रोपोब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है, मतलब ब्लास्टुलेशन में ट्रोपोब्लास्ट बन रहा है, इससे ब्लास्टुलेशन अगर नहीं होगा तो प्लेसेंटा नहीं बनेगा, प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो नरिशमेंट भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद में वो एम्ब्रियो वहाँ पर प्रॉपरली होल्ड भी नहीं रह पाएगा। इतने इंपॉर्टेंट है बच्चा, 41 मार्क का क्वेश्चन, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस समझ में आ गई होगी गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी, ओके।